चलिए अगली बात करते हैं हम कंप्यूटर से रिलेटेड। 207 क्वेश्चन देख लिए थे और 208वां क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। यह निम्न में से सी में यूनरी ऑपरेटिंग का उदाहरण है, तो डी ऑप्शन सही है। ठीक, अब 109वां क्वेश्चन देखते हैं। लिनक्स के पीसी वर्जन को संस्थापित करने के लिए कंप्यूटर में निम्न में से क्या होना चाहिए, तो ए ऑप्शन सही है, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, ड्राइव। 110वां है हमारा, 210वां सॉरी। निम्न में से सेल प्रोग्राम के लिए क्या सत्य है, तो ए ऑप्शन सही है, लिनक्स कमांड्स को संयोजित कर कोई कार्य संपादित करना करता है। 111 211वां हमारा। लिनक्स के पहले कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो सी ऑप्शन सही है, यूनिक्स। 212वां है, इनमें से कौन सा प्रोपेक्ट लिनक्स कमांड्स को लिखने के लिए उचित है, तो ये ऑप्शन सही है। 213 है, निम्न में से कौन सा कमांड सभी फाइल्स एवं फोल्डर को दर्शाने के लिए लिनक्स में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये ऑप्शन है, ALS। 214 है, अभी भी तारीख एवं समय दर्शाने का कमांड लिनक्स में क्या है, तो बी ऑप्शन डेट। 215 है, निम्नलिखित में से कौन सा कमांड फाइल को सेव करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो ए ऑप्शन सही है, कॉलम, W एवं Q बटनों के साथ। 216 है, लिनक्स में RM कमांड का क्या प्रयोजन है, तो बी ऑप्शन सही है, वर्डित फाइल अथवा फाइलों को हटाना। 217 है, स्क्रीन को साफ करने के लिए लिनक्स में कौन सा कमांड जिम्मेदार है, तो सी ऑप्शन सही है, क्लियर। 218 है, MKDIR का लिनक्स में क्या प्रयोजन है, तो ए ऑप्शन है, बर्ड डायरेक्टरी को बनाना। 219 है, अभी की डायरेक्टरी को बदलने के लिए लिनक्स में क्या कमांड है, तो ए ऑप्शन सही है, CD। 220 है, लिनक्स में डुप्लीकेट फाइल बनाने का कमांड क्या है, तो सी ऑप्शन सही है, कॉपी। 221 है, किसी फाइल को पुनः नामित करने के लिए लिनक्स में क्या प्रयोजन है, तो सी ऑप्शन सही है, REN। 222 है, निम्न में से कौन कैट के लिए लिनक्स में असत है, तो डी ऑप्शन है, फाइल हटाने के लिए। 223 है, इको लिनक्स में किस हेतु इस्तेमाल किया जाता है, तो सी ऑप्शन है, इनपुट की तरह। 224 है, BC लिनक्स में किस हेतु इस्तेमाल होता है, तो सी ऑप्शन है, बेस्ट कैलकुलेटर। 225 है, इनमें से कौन डेटाबेस की भाषा नहीं है, तो सी ऑप्शन है, बेसिक। 226 है, कंट्रोलर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक कलेक्शन है जो कि ऑपरेट कर सकता है, तो डिवाइस को, सी ऑप्शन सही है। 227 है, टेक्स्ट इमेज और साउंड इस प्रकार जुड़े होते हैं कि ताकि प्रयोग करने वाला आसानी से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा सके, तो इसे कहा जाता है, सी हाइपर मीडिया। 228 है, सबसे प्रथम कैमरा किस चीज पर इमेज रिकॉर्ड करते थे, तो सी ऑप्शन फिल्म। 229 है, मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट मैनेजर स्प्रीड शीट्स का मुख्य तौर पर किस लिए उपयोग करता है, तो सी ऑप्शन है, बजट बनाने के लिए और कीमत का अनुमान लगाने के लिए। 230 है, स्कैनर डॉक्यूमेंट को किस रूप में सेव करते हैं, तो बी ऑप्शन सही है, बिट मैप्स। 231 है, कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है उसे कहा जाता है मशीनी भाषा, बी ऑप्शन सही है। 232 है, अनुवादक जो किसी उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को पढ़ता है तथा उसको मशीनी भाषा में बदलता है, होता है, सी ऑप्शन, कंपाइलर।
235 है, निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है? तो ए ऑप्शन है जावा। 234 है, लिनक्स सिस्टम के लिए निम्न में से कौन सा कमांड किस फाइल में से पैटर्न को खोजने के लिए होता है? तो ए ऑप्शन फाइंड। 235 है, लिनक्स सिस्टम के लिए निम्न में से कौन सा कमांड को उपयोग करते हुए किसी फाइल में खराबी का पता चल सकता है? तो सी ऑप्शन है चेक फाइल। 236 है, लिनक्स सिस्टम में बाइनरी क्रियान्वयन फाइल जो कि सिस्टम के प्रशासन में प्रयोग की जाती है साधारणतः डायरेक्टरी में रखी जाती है। तो ए ऑप्शन USR। 237 है, लिनक्स सिस्टम में किस कमांड के द्वारा हम किसी भी फाइल या फाइलों से उसके अंदर की पंक्तियों शब्दों व अक्षरों की गणना कर सकते हैं? तो डी ऑप्शन है WC। 238 है, सी भाषा में किसी भी चर के नाम की अधिकतम सीमा होती है? तो सी ऑप्शन है 10 अक्षर। 239 है, सी भाषा के लिए नीचे दिए गए कथनों में से विषम कथन को चयनित करें? तो ए ऑप्शन है ए बराबर ए प्लस ए। 240 है, एक स्विच कथन किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। 241 है हमारा, यदि स्ट्रिंग जिसकी तुलना की गई है एक समान है तो फंक्शन स्ट्रिंग द्वारा निम्न में से क्या मान होता है? तो ये ऑप्शन 0। एक पॉइंटर चर सी भाषा में डी ऑप्शन उपयुक्त सभी फंक्शन में आर्ग्यूमेंट की तरह प्रयोग आ सकता है, का मान फंक्शन में बदला जा सकता है, का मान एक फंक्शन में रिटर्न कर सकता है। 243 है हमारा, सी प्रोग्रामिंग भाषा के लिए कौन सा कीवर्ड मान्य नहीं है? तो डी ऑप्शन है रियल, बाकी तीनों मान्य है। 244 है, सी भाषा के निम्नलिखित में से प्रिंट एफ कथन से क्या है छपेगा? तो सी ऑप्शन है एन टी बराबर वी, तो सी ऑप्शन है 8। 245 है, फंक्शन आर्ग्यूमेंट हो सकता है? तो सी ऑप्शन एक पूर्ण स्ट्रक्चर। 246 है, सी भाषा में मेलूक फंक्शन किसके साथ संबंधित है? तो ये ऑप्शन स्टोरेज मैनेजमेंट। 247 है, निम्न सी भाषा की उक्ति के क्रियान्वयन पर क्या परिणाम आएगा? तो ये आएगा अपना सी ऑप्शन, एक पूर्णांक जिसकी सबसे बाई ओर की 4 बिट 1 है तथा बाकी सभी बिट 0 है। 248 निम्नलिखित प्रोग्राम का क्या आउटपुट आएगा? मैन पब्लिक ये है, तो बी ऑप्शन इसमें कर लेना, कॉल इसे सॉल्व करके कर देख लेना, बी ऑप्शन सही है इसमें 10-15 है। 249 अपना, सी प्लस प्लस एक फंक्शन जो कि एक क्लास के अंदर रहता है को कहते हैं, सी ऑप्शन क्लास फंक्शन। 250 क्वेश्चन 250 हुआ है, निम्न में से कौन सा ग्लोबल स्कोप रेशियो लियोसन ऑपरेटर है? तो बी ऑप्शन है सही। 51 है, 251 कॉपी कंस्ट्रक्टर को बुलाया इनवॉक किया जाता है? तो सी ऑप्शन है ए भी दोनों सही। ए फंक्शन वैल्यू के द्वारा रिटर्न होता है, ए आर्ग्यूमेंट वैल्यू के द्वारा पास किया जाता है। 252 है, पॉइंटर टू पॉइंटर को परिभाषित करने का सही सिलेक्ट निम्न में से कौन सा है? डी, तो PTR स्टार 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 PTR टू PTR। 253 है, निम्नलिखित में से किस एक का उपयोग करके एक एरे एलिमेंट को एक्सेस किया जाता है? तो ए ऑप्शन सही है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अप्रोच। चलिए 254 देख लेते हैं, ओवरलोड फंक्शन है? तो ए ऑप्शन सही है, फंक्शनों का एक ग्रुप होता है जिसका नाम एक ही होता है, ओवरलोडेड फंक्शन। 255 है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग निम्न में से किसको व्यक्त करता है? तो सी ऑप्शन सही है, दोनों ए भी सही है। नए सी प्लस प्लस ऑपरेटर बनाना, विद्यमान सी प्लस प्लस ऑपरेटर को नई अर्थ
नई अर्थ प्रदान करना। 256 है, निम्न में से कौन सा इनहेरिटिंग का प्रकार नहीं है? तो बी ऑप्शन सही है, डिराइव्ड। 257 है, वर्चुअल फंक्शन निम्न में से किसे कहेंगे? तो ये ऑप्शन सही है, एक फंक्शन जो कि भौतिक रूप से विद्यमान नहीं होता है। 258 है, स्टीम जो कि फंक्शन मैन के पहले अपने आप ओपन हो जाता है। डी ऑप्शन उपयुक्त में सभी। 259 है, किस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को खास तौर पर टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए बनाया गया? तो सी ऑप्शन है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। 260 है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन डेडलॉक की एक आवश्यक शर्त है। इस शर्त के अनुसार सी ऑप्शन सही है, ये भी दोनों सही है। कम से कम एक रिसोर्स नॉन शेयर शेयरेबल मोड में होना चाहिए, रिसोर्स को प्रीएम्प्ट नहीं किया जा सकता है। 261 है हमारा, डेड लॉक को कैसे रोका जा सकता है? तो डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कौन नहीं। 262 है, बैंकर्स एल्गोरिथम है। तो ए ऑप्शन सही है, डेड लॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम। 266 है हमारा, एक एड्रेस जो कि सीपीयू के द्वारा पैदा होता है सामान्यतः कहलाता है फिजिकल एड्रेस। 264 है, कंपाइलर होता है। तो सी ऑप्शन सही है, एक प्रोग्राम जो एक हाई लेवल भाषा को मशीन लेवल में अनुवाद करता है। 265 है, एल्गोरिथम एक फ्लोचार्ट उपयोगी होते हैं। तो डी ऑप्शन सही है, किसी प्रॉब्लम को अच्छे से व पूर्णता से समझने के लिए हेतु। 266 है, वर्चुअल फंक्शन को मैं परिभाषित किया जाता है। तो बी ऑप्शन सही है, बेस क्लास में। 266 है, स्कोप रेलू रिसोल्यूशन ऑपरेटर के लिए चिन्ह है। तो ए ऑप्शन है, स्टार। 268 है, लेट बाइंडिंग में फंक्शन कॉल के दौरान रिसॉल्व होता है। तो सी ऑप्शन सही है, ए बी, कंपाइलर टाइम रन टाइम। चलिए 279 देख लेते हैं। सी प्लस प्लस में एक क्लास का फ्रेंड फंक्शन एक्सेस कर सकता है। तो सी ऑप्शन सही है, ए बी दोनों सही है, क्लास के प्राइवेट मेंबर्सों को क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबरों को। 270 है, निम्नलिखित में से कौन सा सी प्लस प्लस में गलत डाटा टाइप है? तो ए ऑप्शन रियल। 271 डिटेक्टर को सी प्लस प्लस प्रोग्राम में प्रदर्शित करने वाला चिन्ह है। तो डी ऑप्शन है। 272 है देखना है, प्योर वर्चुअल फंक्शन सी प्लस प्लस एक वर्चुअल फंक्शन है। तो जिसकी ए ऑप्शन सही है, जिसकी बॉडी नहीं होती है। 273 निम्नलिखित में से कौन सा सी प्लस प्लस स्ट्रीम क्लासों को दर्शाता है? तो ए ऑप्शन सही है, IOS। स्ट्रक्चर में मेंबर एक्सेस ऑपरेटर के लिए नोटिफिकेशन चिन्ह है। तो बी डॉट। 275 हो गया हमारा, 275 है, सी प्लस प्लस में इनहेरिटेंस डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर होता है। तो बी ऑप्शन है, पब्लिक। 276 काउट का अर्थ है, तो ए ऑप्शन क्लास आउटपुट। 277 है, क्लास डॉग पब्लिक एक्स पब्लिक बाई का एक उदाहरण है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस। 278 है हमारा, निम्नलिखित में से किस ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं किया जा सकता है? तो ए ऑप्शन है सही इसमें। 279 है, कंस्ट्रक्टर को बुलाया जाता है जब भी, ए ऑप्शन सही है, एक ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है तब। 280 है, HTML किसने बनाया था? तो सी ऑप्शन है, हेटी एंड टी ने। 281 है, HTML फाइल को भेजने एवं रिसीव करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो सी ऑप्शन है, HTTP। 282 है, निम्नलिखित में से कौन सी कमांड का उपयोग किसी पेज को HTML पेज से लिंक करने के लिए होता है? तो ए ऑप्शन है सही इसमें। 283 है, जावा स्क्रिप्ट का बहुतायत उपयोग होता है? तो सी ऑप्शन इसमें, बोथ क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड वेब डेवलपमेंट।
284 हमारा जावा स्क्रिप्ट का प्रथम नाम है सी जे एस स्क्रिप्ट। 285 है किस टैग का उपयोग करके जावा स्क्रिप्ट को HTML पेज में इंसर्ट किया जाता है, तो सी ऑप्शन सही है। ठीक है। 286 इवेंट ड्रिविंग लैंग्वेज, तो सी ऑप्शन सही है OOP। 287 है कंट्रोल होते हैं सी रूल्स। 288 है बेसिक एक भाषा है, तो ए ऑप्शन प्रोसीजरल। 289 है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को संगणक गणक समझ व निष्पादित कर सकता है, तो ए ऑप्शन सही है इसमें मशीनी भाषा। 290 है HTML का पूरा अर्थ क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्क अप लैंग्वेज, ये ऑप्शन सही है। 291 कंप्यूटर की कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस सी दबाने से क्या संदेश आ जाता है, बी ऑप्शन कॉपी। 292 है व्यापारिक उपयोग हेतु कंप्यूटर प्रोग्राम में कौन सी भाषा का उपयोग किया होता है, कोबोल, ये ऑप्शन सही है। 293 कंप्यूटर के मदरबोर्ड में क्या नहीं होता है, तो डी ऑप्शन है मॉनिटर। अब आगे 294 उपयुक्त में से कौन सा कथन बेसिक के लिए सही है, तो ए ऑप्शन सही है बेगी नरस ऑल पर्पस सेवोलिक इंस्ट्रक्शन कोड। 295 ट्रांसलेटर जो सभी प्रोग्राम को पढ़ता है और उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा में बदलता है कहलाता है कंपाइलर, सी ऑप्शन सही है। 296 इनमें से कौन सा एक हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, तो डी ऑप्शन है असेंबलर। 297 इनमें से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, सी फीफा, बाकी तीनों है। 298 LRU एल्गोरिथम है, तो सी ऑप्शन सही है पेजेज आउट पेजेज जो तत्काल कम से कम उपयोग होता है। 299 GOTO स्टेटमेंट की निम्न नामांकित में कौन रूल आउट करता है, तो ए ऑप्शन सही है फ्लोचार्ट। 300 है एक निकाय प्रोग्राम जो कि निष्पादक प्रोग्राम को मुख्य स्मृति में निष्पादन के लिए तैयार करता है, वह है सी लोडर। 301 है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कंप्यूटर को समझ और निष्पादन कर सकती है, तो ये ऑप्शन सही है मशीनी भाषा। 302 है लिनक्स इज ए, तो ए है ऑपरेटिंग सिस्टम, सी ऑप्शन सही है। 303 वाय दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस हो कौन से हैं, तो ए ऑप्शन मॉनिटर प्रिंटर। 304 है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए न्यूज की जाने वाली माउस टेक्निक है, सी ऑप्शन सही है राइट क्लिकिंग। 305 है जब एक कंप्यूटर में कौन में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग, ये ऑप्शन सही है। 306 किस प्रकार का बार विभिन्न ड्राफ्ट डाउन मेनू के नाम या आइकन दिखाता है, तो डी ऑप्शन सही है टास्क बार। 307 है सर्वाधिक उत्पाद कूट का अंगीकरण किसके लिए किया जाता है, तो सी ऑप्शन है बार कूट। 308 है निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया था, तो ए ऑप्शन है थियोडर मेमन ने। 309 है डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है, तो बी ऑप्शन है पेंटर। 310 है और सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है, तो इसमें डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। 311 है ईमेल खाते के स्टोरेज एरिया वो कहते हैं मेल बॉक्स। 312 है आज उपलब्ध सबसे बड़ी स्टोरेज डिवाइस में डाटा यूनिट में स्टोर किया जा सकते हैं, तो बी ऑप्शन सही टेराबाइट। 313 है ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है, तो सी ऑप्शन लेजर बीम सिरेमिक। DPI दर्शाता है, तो ए ऑप्शन डॉट पर इंच। 315 है कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, तो ए है मॉनिटर। 316
316 है, WILL का अर्थ है, तो सी ऑप्शन है इसमें, वायरलेस इन लोकल लूप। चैट की भाषा क्या होती है, तो ए ऑप्शन टेलीग्राफिक। 318 है, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लैंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं, तो डी ऑप्शन है इसमें, कर्सर। 319 है, डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस पेंटर का उपयोग किया जाता है, तो सी ऑप्शन लेजर पेंटर। 320 है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी है, तो सी ऑप्शन है 12। 321 है, किस पेंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर पेंट होता है, तो बी ऑप्शन है डॉट मैटिक्स पेंटर। 322 है, निम्नांकित में से कृत्रिम बुद्धि के क्षेत्र में शोध करने वाले प्रमुख विश्वविद्यालय की पहचान करें, तो ए ऑप्शन है हॉपकिंस विश्वविद्यालय। 323 है, पेरीफेरल डिवाइस को और क्या कहते हैं, तो सी ऑप्शन डिवाइस। 324 है ना, निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो डी ऑप्शन कार्ड रीडर। 325 है, कर्सर मूवमेंट बटन में एंड का प्रयोग किया जाता है, तो सी ऑप्शन कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाने के लिए। 326 है, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, तो सी ऑप्शन है इसमें मॉनिटर। 327 है, कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या मतलब क्या काम होता है, तो सी ऑप्शन इनपुट करना। 328 है, इनमें से कौन सा तेज बड़ा महंगा कंप्यूटर है, तो सी ऑप्शन सुपर कंप्यूटर। 329 है, किस कंप्यूटर सिस्टम में अतिरिक्त हार्डवेयर जोड़ने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो बी ऑप्शन है स्लॉट स्लॉट। 330 है, टैब बटन का प्रयोग किया जाता है, तो डी ऑप्शन इसमें 1 2 3 मतलब तीनों ये सही है। कर्सर को एक निश्चित दूरी तक कूदाने के लिए, टेबल या एक्सेल में एक खाने से दूसरे खाने में जाने के लिए, डायलॉग बॉक्स में विकल्पों के चयन के लिए, ठीक है। 231 है, 331 है सॉरी, कंट्रोल अल्ट और डेल डेल बटन का एक साथ प्रयोग किया जाता है, ए ऑप्शन कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए। 332 है, कीबोर्ड किस प्रकार के डिवाइस है, तो यह है इनपुट। 333 है, कंप्यूटर कीबोर्ड में ई से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या कितनी होती है, तो डी ऑप्शन है इसमें 12। कंप्यूटर रैम क्या है, तो डी ऑप्शन मेमोरी। 35 है, 335 इनमें से कौन सा डिवाइस अस्थायी रूप से डाटा को संग्रहित करता है, तो बी ऑप्शन सही है रैम। 36 है, इनमें से कौन सा एक प्रोवाइडिंग डिवाइस नहीं है, तो डी ऑप्शन स्कैनर। 337 है, बैंक में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है, तो बी ऑप्शन माइकर। 338 है, ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग दिखाई देते हैं, तो बी ऑप्शन सही है वीडियो BDU। 339 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है, तो सी ऑप्शन है पेंटर। 340 है, इनमें से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, तो ये ऑप्शन DVD। 341 है हमारा, कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार के डिवाइस है, तो बी ऑप्शन सही है आउटपुट। 342 है, वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिका को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये ऑप्शन OMR। 343 है, डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है, बी ऑप्शन सही है फोटो डायोड। 344 है, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, तो सी ऑप्शन सही है तीन। 345 है, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं, तो डी ऑप्शन है इसमें बार कोड। CD किस काम आती है, तो सी ऑप्शन है स्टोरेज। 345 हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, तो बी ऑप्शन सही है नॉन वोलेटाइल। 346 है, मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है, तो डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी डॉट पिच से रेजुलेशन से रिफ्रेश रेट से। 347 है, इंक जेट पेंटर की रंगीन स्याही की बोतल में मूल रंगों की संख्या होती है, तो तीन बी ऑप्शन सही है। 348 है, सबसे ज्यादा काम में आने वाले कैरेक्टर पेंटर कौन से होते हैं, तो डी ऑप्शन सही है डॉट मैट्रिक्स। 348
349 से कंप्यूटर की कीबोर्ड में कितने एरो के बटन होते हैं? तो डी ऑप्शन सही है, 4। तीन सौ पचास है, इनमें से इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? तो डी ऑप्शन उपयुक्त सभी हैं, डिजिटल कैम कार्डर माइक्रोफोन स्कैनर। 351 है, MICR में सी का क्या मतलब होता है? तो सी का मतलब होता है कैरेक्टर, सी ऑप्शन सही है। 352 है, लेजर पेंटर में प्रयोग होता है? तो डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी, लेजर बीम, प्रकाशीय ट्रेम, आवेशित स्याही टोनर। 353 है, इनमें से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो डी ऑप्शन प्रचलन तंत्र। 354 है, डेटा किस रूप में हो सकते हैं? तो ये ऑप्शन सही है, आ बा दोनों। 355 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? तो डी ऑप्शन सही है, टैग बॉल। 356 है, स्कैनर क्या काम करता है? तो सी ऑप्शन है, ए और बी, पिक्चर स्कैन, टेक्स्ट स्कैन। 357, माउस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने जाकर दबाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सी ऑप्शन, ड्रैग एंड ड्रॉप। 358, दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस हैं, तो मॉनिटर पेंटर, ए ऑप्शन सही है। 359 है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है? तो सी ऑप्शन, राइट क्लिक। 360 है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो डी ऑप्शन सही है, DVU। 361 है, माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो ए ऑप्शन है, बायां। 362 है, कैपिटल लेटर लिखने के लिए किस बटन का इस्तेमाल करते हैं? तो ए ऑप्शन, कैप्स लॉक। 363 है, निम्न में किन्हीं दो शब्दों के बीच जगह देने के लिए किस बटन का इस्तेमाल किया जाता है? तो सी ऑप्शन, स्पेस बार। 364 है, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं तथा या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो मॉनिटर, ये ऑप्शन सही है। 365 है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट का एक माध्यम है? तो सी ऑप्शन, प्रिंटर। 366 है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है? तो ए ऑप्शन, लेजर प्रिंटर। 367 है, LCD का पूरा नाम क्या है? तो डी है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। 368 है, किस मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए उपयोगकर्ता इनमें से किसका इस्तेमाल करता है? तो ये ऑप्शन है, टर्मिनल। 369 है, पर्सनल कंप्यूटर आपस में किससे जुड़े होते हैं? तो सी ऑप्शन है, नेटवर्क। 370 है, सक्रिय प्रोग्राम को बंद करना, ये ऑप्शन, अल्ट प्लस ALD प्लस F4। 371 है, पंच कार्ड को किसने बनाया था? तो बी ऑप्शन, चार्ल्स बेबेज। 372, हार्ड डिस्क के किस विषय में क्या सत्य है? तो डी ऑप्शन, हार्ड डिस्क की टेक्स्ट वृत्ताकार होती है। 373, किस पेंटर की गति का मात्रक क्या है? तो बी ऑप्शन, पेजेस पर मिनट। 374 है, ऑडियो एडिटर, तो इसमें ऑप्शन सी सही है, सीधा प्रसारण वाला संगीत को आपके PC द्वारा रिकॉर्ड करने के लिए अधिकार प्रदान करना। 375 है, क्विक टाइम है एक, तो बी ऑप्शन सही है, वीडियो कैप्चर गाइड। 376 है, 376 माइक्रो कंप्यूटर में प्रोसेसर या CPU को मुख्यतः इससे जानते हैं? तो ये ऑप्शन, माइक्रो प्रोसेसर। 377 है, कीबोर्ड में F1 से F12 तक की को क्या कहा जाता है? तो सी ऑप्शन, फंक्शन की। 378, डिस्क प्लेटरों के समूह को क्या कहते हैं? तो सी ऑप्शन, हार्ड डिस्क। 379 है, एक पिक्सल होता है? तो सी ऑप्शन सही है, किसी आकृति का सूक्ष्म निर्णायक यंग अंग अंग। 380 है, ग्राफिकल यूजर एनवायरमेंट में कौन सी प्रमाणिक फाइंड डिवाइस का उपयोग होता है? तो सी ऑप्शन सही है, जॉयस्टिक। 381 है, 32 बिट कंप्यूटर के प्रयोग हेतु कौन सी संख्या पद्धति का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? तो ये ऑप्शन, दो दो 382 है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो ये ऑप्शन सही है, स्कैनर। 383 है, निम्नलिखित में से डिवाइस में कौन सी डिवाइस ऐसी है जिसमें हम सूचना प्राप्त तो कर सकते हैं परंतु उसको मिटा या उसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं? डी CD-ROM।
384 एक कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सी टेक्नोलॉजी प्रयोग होती है? तो सी ऑप्शन विद्युत चुम्बकीय। 385 है, निम्नलिखित निम्न में से कौन सी डिवाइस सबसे ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकती है? तो बी ऑप्शन सही है, हार्ड डिस्क। 386 है, प्राइमरी मेमोरी स्टोर करती है, तो उपयुक्त सभी है, केवल डाटा, केवल प्रोग्राम, केवल रिजल्ट। 387 है, निम्न में से कौन सी डिवाइस डाटा एवं प्रोग्राम में अंतर कर सकती है? तो सी ऑप्शन माइक्रो प्रोसेसर। 366 है, मेमोरी यूनिट निम्न में से किसका पार्ट होती है? होता है तो डी ऑप्शन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 389 है, निम्न में से फ्लॉपी डिस्क किस साइज में उपलब्ध नहीं है? तो ए ऑप्शन 8 इंच में नहीं है। 390 है, कंप्यूटर में डाटा इस रूम में स्टोर होता है, ए फाइल्स में। 391 है, निम्न में से किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग एमएस ऑफिस में नहीं कर सकते हैं? तो बी ऑप्शन लाइन पैन। 392 है, एमओएस का तात्पर्य है, तो ए ऑप्शन मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। 393 है, कौन सी स्टोरेज डिवाइस रील पर माउंट होती है? तो सी ऑप्शन मैग्नेटिक टेप्स। 394 है, मना 394 है, एमआईपीएस इकाई निम्न में से किसे मापने हेतु उपयोग करते हैं? तो ए ऑप्शन प्रोसेसर। 395 पिक्सल क्या है? कॉलर्स का एक कॉम्बिनेशन। 396 396 निम्न में से कौन सा पिक्चर फाइल फॉर्मेट ज़्यादा कलर प्रदर्शित कर सकता है? तो बी ऑप्शन सही है, जीपीईजी। 397 है, एमपीईजी का तात्पर्य है, तो इसमें बी ऑप्शन सही है, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। 398 जब MP3 किसी फाइल को स्टोर करता है तो उसे में से क्या हटा देता है? तो डी ऑप्शन सॉन्ग द्वारा कंसूमर एक्स्ट्रा स्पेस को डिलीट करता है। 399 निम्नलिखित में से कौन इनपुट प्रयुक्ति नहीं है? तो डी ऑप्शन माउस पैड। 400 MICR का अभिप्राय है, ए ऑप्शन मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। 401 है, प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी निम्नलिखित में किससे मापी जाती है? तो बी ऑप्शन है, डॉट पर इंच। 402 है, संगणक पर्दे पर सिंगल पॉइंट को किस नाम से पुकारते हैं? तो पिक्सल। सी ऑप्शन सही है। चलिए हमने इसमें इस लेक्चर में देख लिए 402 तक देख लिए, 403 से आगे कुछ कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, इसे यहीं रोकते हैं।